सिटी मेयर इलेक्शन में आपको मिली बम्पर जीत, बीजेपी को चटाई धूल। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। इस चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। 2 घंटे से ज्यादा चली वोटिंग में किसी तरह का कोई विरोध और नारेबाजी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शैली ओबेरॉय को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार। डॉक्टर शैली ओबेरॉय को मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई। वहीं आप प्रत्याशी की जीत पर विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, जनता जीत गई। बीजेपी धोखा देकर अपना मेयर बनाना चाहती थी। मैं शैली ओबेरॉय को दिल्ली का मेयर चुने जाने पर बधाई देता हूं। अब अली इकबाल डिप्टी मेयर बनेंगे। मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में आज शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई है। करीब 11:30 बजे शुरू हुई वोटिंग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बायकॉट किया है। इससे पहले दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि आप प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई हैं। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आपकी पहली मेयर @ओबेरॉय शैली को भी बहुत बहुत बधाई। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ डेस्क से हिमानी की रिपोर्ट।